पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बात कर रहे थे किसानों के आंदोलन की। दिल्ली पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, आज सातवां दिन है और मांगों को लेकर किसान लगातार अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और राज्यों से आज किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी कृषि मंत्री के साथ में वो बेनतीजा रही थी और तीसरे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को की जाएगी तमाम किसान संगठन के नेताओं की तरफ से। लेकिन अब आंदोलन को और तेजी देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम किसान संगठन के लोग, क्योंकि कुछ अन्य राज्यों से भी आज दिल्ली पहुंच सकते हैं, दिल्ली बॉर्डर पहुंच सकते हैं तमाम किसान और किसान संगठन के नेता। और तमाम सारी अपडेट के साथ में हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, आंदोलन काफी तेज होता जा रहा किसानों का, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी कृषि मंत्री के साथ में किसान संगठन के नेताओं के साथ में वो बातचीत बेनतीजा रही थी। जी बिल्कुल नितिन जी, बता दो जिस तरीके से किसानों के आंदोलन में तेज धार लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज किसानों का जो आंदोलन है वो सुबह सातवां दिन है और सातवें दिन किसानों का उग्र आंदोलन भी देखने को मिला है, क्योंकि किसान भारी तादाद में किसान लगातार अन्य राज्यों के अलावा आसपास के जिलों से भी जनपद लगातार पहुंच रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों ने हल्ला बोल दिया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, नारेबाजी के साथ साथ बैरिकेडेड भी को भी तोड़ने का कार्य किया है। वहीं पर देखा गया है कि जो किसान थे भारी तादाद में, उन्होंने पहले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अब इसमें जो मात्र शक्ति है उसने भी सहयोग किया है, यानी कि जो महिलाएं किसान है वो भी यहाँ पहुंच गई भारी तादाद में और उन्होंने सारा इंतजाम क्या किए हैं और उन्होंने भी जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात लगातार की है और इसी के चलते भारी तादाद में किसानों ने वहां पहुंचकर वो जो बैरिकेडेड है दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडेड लगाई है बॉर्डर पर उसको गिराने में कार्य किया है। जो उसकी एक्चुअल तस्वीरें हैं जो लाइव रोड पास मौजूद भी है, साथ साथ क्योंकि देखा गया है जो कल किसानों की जो वार्ता थी, जो सरकार से कृषि मंत्री से वार्ता थी वो बेनतीजा निकली और इसी के चलते किसानों ने और उग्र आंदोलन कर लिया, क्योंकि 3 दिसंबर को सरकार की किसानों की और जो केंद्रीय मंत्रियों की जो बातें होनी है उसी पर थोड़ा निर्भर रह गया है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों पड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक किसान इस काले बिल को वापस नहीं ले लेता हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के चलते तमाम जो किसान अन्य राज्यों से है वहां लगातार जमावड़ा उनका लगा हुआ है और तमाम किसान जो है वो आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर तेज धार के साथ पूरे मजबूत जुटे हैं क्योंकि सभी तरह के इंतजाम उन लोगों ने किए हुए हैं। जी जावेद, अगर बात करें दिल्ली बॉर्डर की तो लगभग कितनी संख्या में वहां पर किसान अभी मौजूद होंगे और कितने और वहां पर किसान आज पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही जिसके चलते जो किसान हैं वो आंदोलन को और उग्र और आंदोलन को और तेज करने की तैयारी करें और इसीलिए अन्य राज्यों के कुछ नेता किसान संगठन के और किसान भी आज बॉर्डर पर फिर से पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सातवें आज किसानों का जो आंदोलन है वो जो धरना प्रदर्शन है उसका सातवां दिन है और इसके चलते जो अन्य तमाम किसान संगठन के लोग हैं वहां लगातार पूछ रहे हैं और जो अन्य साथ साथ उन लोगों ने आह्वान भी किया है, जो अन्य राज्यों से किसान है उन लोगों का आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे जिससे कि इस आंदोलन को और तेज धार दी जा सके और इसी के चलते तमाम ऐसे जो किसान है बाहर से आने वाले राज्य से आने वाले किसान है वो सभी लोग यहाँ जुट रहे हैं, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो लाखों में यहाँ किसानों की संख्या लगभग पहुंच गई है और किसान अपने आंदोलन को तेज धार देने के उद्देश्य से तमाम ऐसे जो संगठन के लोग हैं उनको मजबूती के साथ जुटे हैं, क्योंकि देखा गया था कि जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर आजाद उन्होंने भी किसान वहां पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है और बीएसपी ने भी समर्थन दिया है, यानी कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां उनके लोग भी वहां लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं और किसान बिल की मांग को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास में है और इसी के चलते जो किसान है जो राज्य से आने वाले किसान है जो आसपास के जो किसान है वो लगातार कोशिश में है कि किसी तरीके से सरकार से ये बिल वापस दिलाया जाए और किसानों की जो अनदाता है उनके खिलाफ जो बिल लाया गया है उससे किस तरह छुटकारा दिला जाए और किसान अपनी मांगों पर रहे हैं और आंदोलन को और तेज करने के उद्देश्य से राज्य के साथ साथ जनपद के किसान भी लगातार छूट रहे हैं और आशंका है कि लाखों किसान और भी आने की आशंका है क्योंकि बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी जावेद, जैसा कि आपने बताया कि तादाद काफी ज्यादा पहुंच गई है, विपक्षी दलों के तमाम नेता भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंच रहे, लाखों की संख्या पहुंचने वाली है, ऐसे में अगर बात की जाए किसानों को रोकने के लिए वहां पर पुलिस की तैनाती की तो पुलिस की तैनाती और पीसी की तैनाती कितनी संख्या में की गई, कैसे रोकने के लिए ऑर्डर उनको दिए गए हैं?
देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से भारत में किसान यहाँ जुटे हैं और किसानों के जो आंदोलन है जो लगातार धरने प्रदर्शन है और जो लगातार वो बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, अंदर दिल्ली में घुसने का लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, यूपी सरकार भी तमाम तरह के इंतजाम कर रही है, क्योंकि भारत तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद है, जवान भी मौजूद है, जवान कई टुकड़िया CISF RPF PSC के साथ साथ जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ तादाद में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत जवान है उन्होंने यहाँ बैरिकेड भी की गई है, बैरिकेड के साथ वहां जो पत्थर है, पत्थरों के जो सिलेक्टर हो रहे थे उन लोगों को वहां लगाकर जो उसको मजबूत करने का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जो किसान है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। और सभी तरह के इंतजाम यहां जवानों ने किए हुए हैं, क्योंकि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कहीं नहीं चाहता कि किसान दिल्ली में प्रवेश किए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिस तरीके सरकार ने गाइडलाइन दी है कोई भी जो किसान है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा, इसी तरह भारी तादाद में यहाँ जवान भी मौजूद है। एहतियात बरती जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है बावजूद उसके कि किसान उग्र होते जा रहे हैं, मगर तमाम तरह के इंतजाम किसी भी हालात से निपटने के लिए किए जा चुके हैं। जी जी जावेद, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार तमाम किसान संगठन के लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अब महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल होने लगी, यानी कि महिलाएं भी वहां पर पहुंच रही, दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही, लाखों में संख्या पहुंचने वाले किसानों की। ऐसे में जो पुलिस तैनात है, जो PSC तैनात है, उनके लिए भी एक काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी शांत तरीके से इन लोगों को रोकना है,